हथौड़ी तैयार हो जाओ, हल्ला बो। ये तो सिर्फ हथौड़ी के कपड़े हैं। अजीब बात है, वो फिर से गायब हो गया। झट से गायब होने की निंजा टेक्निक। निंजा हथौड़ी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई, फिर भी मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा है। वो देखो, आसमान से कुछ आ रहा है। ये कुरियर वाला लगता है। लेकिन ये है क्या हथौड़ी? ये खत तो ईका गांव से आया है। यानी कि लेटर? ये तो कोरा कागज है। रुको रुको, बस देखते जाओ। इसके शब्द दिख रहे हैं। हाँ, पानी में भिगोया इसलिए। वाह, ये तो पूज्य पिताजी का खत है। पूज्य पिताजी, बड़े भाई जल्दी पढ़ो ना। हाँ, जल्दी पढ़ो। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कमालम करके दिखानम का समय हुंदिस, तुम तुरंत यहाँ आंदिस, सब कुछ बतांदिस। ये कौन सी भाषा है? ये हमारी कोड लैंग्वेज है, जो पिताश्री हमेशा मुझे लिखते हैं, ताकि हमारी बातें किसी और को न पता चले। उन्होंने लिखा है, आशा करता हूँ वहाँ का मौसम अच्छा होगा, तुम्हारी माँ और मैं तुम सबको बहुत याद करते हैं। प्यारे बच्चों, याद आती होगी, क्यों है ना? हम गांव वासियों को निंजा की अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। केनिची उसका परिवार और तुम्हारे दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। मैं चाहूँगा कि तुम केनिची, युमिको और तुम सब यहाँ पर आ जाओ। माँ तुम सबका इंतजार कर रही है और बहुत सारा टेस्टी खाना तैयार कर रही है। कृपा करके जरूर आना, हम इंतजार कर रहे हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं तो जरूर जाना चाहूँगा। बोलो कब चलें? मैं भी कब से गांव जाने का इंतजार कर रही हूँ। और मुझे इंतजार है मम्मी के हाथों से यम्मी खाना खाने का। मुझे भी, मैंने कब से ईगा गांव के लाठी रोल्स नहीं खाए। ये सुन के तो मेरी जीभ लप लप आई। हाँ तो पापा, हम ईगा गांव जा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तुम बच्चे ही जा रहे हो? बले भाई, हमारा ख्याल रखेंगे। पापा, पता है पहले के लोग अपने बच्चों को अकेले ट्रिप पर भेजते थे। हाँ हाँ पापा, और मैं वहाँ जाके ईगा गांव के निंजा स्कूल में ट्रेनिंग लूंगा और सॉलिड बन जाऊंगा। ओह, निंजा ट्रेनिंग। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बोलो, क्या कहते हो मम्मी? अच्छी बात है। तो फिर फैसला हो गया, जाओ। देखो कितने खूबसूरत तारे हैं। कल का मौसम ऐसा ही बढ़िया हो तो मजा आएगा। मैं तो ट्रिप पर जाने का और इंतजार नहीं कर सकता। मैं भी। हम भी आ रहे हैं। मजा आ गया। कभी। मुझे भी चाहिए कुछ खाने के लिए। चुपचुप गाड़ी में बैठ के खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये क्या हो रहा है? नीचे उतरो जल्दी, चलो। नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। देखिए साहब, ये तो बस खिलौने हैं। ये तो सच में खिलौने हैं। आओ मारे प्यारे निंजा गांव ईगा। डिंग डिंग। वाह दोस्तों, मुझे अपने ईगा गांव में लेके आने के लिए शुक्रिया। मेरा दिल तो फूलकर गुब्बारा गुब्बारा हो गया है। हमने तो इसे बुलाया भी नहीं, बेगानी ट्रिप में हमारा दीवाना। मैं तो यार युमिको का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ, जो उसके सामान का ख्याल रखेगा। हमारा तुम कितने अच्छे हो। हाँ, कोई शक? अब भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये तो वही बंदा है जो शुरुआत से इस सफर में हम पर जासूसी कर रहा है। उसने देख लिया।
डिंग डिंग, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। डिंग 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 डिंग। नहीं, मुझे इतने भूख लगी थी कि मैं खुद को रोक भी नहीं पाया। सुनिए भाई साहब, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए ना, बैठिए ना। इसने खाते समय भी मास्क पहना हुआ है। अब देखते जाओ, जरूर दाल में कुछ काला है। जरा सुनिए, सन्मोहित करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अब जल्दी बताओ तुम कौन हो, कौन हो तुम? नहीं, ये मैं सर आप, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं सर? दरअसल मुझे तो बस निंजा के सीक्रेट के बारे में जानना था इसलिए, और मैं किताब भी लिखने वाला हूँ, आप भी हथौड़ी बन सकते हैं, और देखना ये किताब ज्यादा बिकेगी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था ताकि एक निंजा और उसकी जिंदगी के बारे में जान सकूं। अच्छा तो ये बात है। अरे ये मैंने कब निकाला? आह, और वो बुढ़ा कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने बैठा था। नायगांव, अगला स्टेशन नायगांव, नायगांव, नायगांव। यात्री कृपया ध्यान दें, ईगा के लिए ट्रेन कुछ ही देर में छूटेगी। ईगा स्टेशन, ईगा स्टेशन, ईगा स्टेशन। ईगा स्टेशन, ईगा स्टेशन, ईगा स्टेशन। अब वो कहाँ चले गए? डिंग डिंग, वहाँ पर है, जा रहे हैं, रुक जाओ। अब फिकर की कोई बात नहीं, हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, हमारा सफर अच्छा रहेगा। मैं तो झूम उठूंगा। तो ये नन्हे नन्हे बच्चे अपने गांव जा रहे हैं इसलिए खुश नजर आ रहे हैं। गड़बड़ घोटाला। मैम मजा तो बहुत आया, हम छिलके पिक्के और मजा आएगा। क्या कर रहे हैं? ए रुक जाओ, केनिची और हमारा, ये छिलका तुम दोनों ने अंदर क्यों फेंका? ये तो हद हो गई। कौन सर? मैं सर नहीं हूँ। सर आप जासूस लग रहे हो। सर आपको हमारी बहुत चिंता हो रही थी इसलिए आप भेष बदल कर यहाँ आए हो, है ना? वाह, तुम्हें कैसे पता चला हमारा? हाँ यही कारण है। अनेक बार चलो जल्दी करो। खूबसूरत नजारा है। हाँ सच में, झटपट फोटो खींच लूं। देखा केनिची, हम अपने ईगा गांव पहुंच भी गए। कहाँ, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ईगा निवासी के निंजा छुपे रहते हैं, एक सीक्रेट रास्ता है जिसे आम लोग इसे नहीं देख सकते। अब देखना क्या होता है। निंग 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 निंग। कितना अजीब है। यहाँ एक सीक्रेट रास्ता है जो ईगा गांव को जाता है।
चलो चलो सब लोग आगे बढ़ो। निंग 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 आखिर मेरा ईगा गांव देखने का सपना पूरा हुआ। वाह क्या बात है। कचैक के कचैक सर जल्दी कीजिए, चलिए जल्दी। यहाँ कितना अंधेरा है। निंजा अंधेरे में आसानी से चल सकते हैं, समझे केनिची? वो है बाहर जाने का रास्ता। सच में जन्नत है। मेरी तो विश पूरी हो गई। क्या हमने यहाँ आने के लिए कितने पापड़ बेले और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ से हम लगता है ईगा गांव जल्दी पहुँच जाएंगे। डिंग डिंग, अपने गांव आने की बात कुछ और ही होती है। हम पहुंचे अपने गांव, मुश्किल वक्त। कमांडो सख्त। शिंजो, क्या ये निंजा एथलेटिक ट्रेनिंग स्कूल है? केनिची, मैं और बले भाई यहाँ एक साथ प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, रुको मैं भी आ रहा हूँ। संभल के केनिची। हुआ तोड़ी? लगता है कोई गिर गया। मालूम नहीं। चलो देखते हैं। कौन गिरा होगा? चलो देखते हैं। सॉरी, मैं गिर गया। कोई बात नहीं, निंजा डोजो ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा होता है। हाँ, यहाँ नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। क्या बोल रहे हो? सब मिलकर टफ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, अब आएगा असली मजा। एक दो, एक दो। अब बस करो, हमें अपने घर पहुँचना है। गिली 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 गिली। कपड़े 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 कपड़े, चलो चले। हथौड़ी सुनो तो। बोलो। इतनी अजीब बात है कि दोनों में से कोई भी नहीं है, जबकि अभी ट्रेनिंग का समय है। बिल्कुल सही कहा सोनम। मुझे लगता है सभी छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ ईगावासी वसंत के मौसम में छुट्टियां नहीं मनाते। ऐसा है क्या? पहुँच गए। केनिची, यूमिको, जल्दी आओ, ये देखो हमारा घर। पिताजी, माताजी, पिताजी, माताजी। हाँ, ये लोग कहाँ है? माताजी, केनिची। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। संभल कर यूमिको। ये सब क्या हो रहा है? निंग निंग, पंखा घुमाओ, धुआं भगाओ। डिंगडिंग, तो तुम हो? आहा, आहा। हथौड़ी तुम? अरे
ये तो अपने साइजो गोसुके और सारुसुके है। हमें माफ कर दो हथौड़ी, हमें लगा कि कोई दुश्मन है। क्या दुश्मन? तुम्हारा मतलब क्या है? जब हम तीनों छुट्टियां मनाने बाहर तुमरे तलैया गए थे, तब किसी ने ईगा गांव में आकर हथौड़ी के माता पिता को और गांव वालों को किडनैप किया। हमने सबको बहुत तलाशा, कोई नहीं मिला। क्या कहा, किडनैप? तो क्या मेरे मम्मी पापा भी किडनैप हुए हैं? देखा हथौड़ी, इसीलिए वहाँ ट्रेनिंग हॉल में कोई नहीं था। क्या तुम बता सकते हो कि ये किडनैप करने का काम किसने किया है? हाँ, उसका नाम है मुक्का मारो, एक हाईटेक निंजा वाला। क्या कहा, हाईटेक निंजा वाला? मेरे साथ निंजा हाजिर हो। जो सर, एक कदम, दो कदम, 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 मुक्का मारो बॉस, सभी साथ यहाँ हाजिर हैं। शाबाश मेरे जवानों, आखिर हम हथौड़ी को बुद्ध बनाने में कामयाब हो ही गए, और अब वो हथौड़ी और मंडली यहाँ पर आ पहुँच गई हैं। वक्त है हथौड़ी से मुलाकात करके मुकाबला करने का। मैं अपने कंप्यूटर साथ निंजा और असली हथौड़ी निंजा से मुकाबला करूंगा। बताओ मेरे जाबाजो, तुम्हें मेरा ये प्लान कैसा लगा? पसंद तो आया ना तुम्हें? आप तो सुपर से भी ऊपर वाले निंजा हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया बॉस। कोई शक? अच्छा, तो इस टापू पर जाले मुक्का मारो रहते हैं? हाँ, और वहीं पर सबको किडनैप करके रखा गया है। केनिची और युमिको, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम दोनों को अपने अपने घर वापस जाना होगा। मगर क्यों हथौड़ी? ये जगह किसी खतरे से खाली नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंस जाओ। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं? क्या हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है केनिची। ये ठीक नहीं है। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो तुम हमारी मदद करते हो, और आज हमारा फर्ज बनता है हम भी तुम्हारी मदद करें। लो, अब तो ये केनिची भी जोश में आ गया। हम सब मिलके हथौड़ी के माता पिता को उस मुक्का मारो के कब्जे से छुड़ा के लाएंगे। क्यों है ना युमिको? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भी यही ख्याल है ना हमारा? ये भी कोई पूछने की बात है युमिको। मैं अब भी कहता हूँ दोस्तों, सच में इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब कितने अच्छे हो। हाँ, तुम सब लोग कितने अच्छे हो। तुम सबका शुक्रिया। वाह, क्या बात है बच्चों, इसे कहते हैं पक्की दोस्ती। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ईगा की जमीन पर मुश्किल की घड़ी पड़ी है आन, हम लड़ेंगे अपनी पूरी जी और जान। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलो मिलकर दुश्मन के टापू पर नजर रखते हैं। हाँ, मुश्किल वक्त मानो सच चलो। ओ, कोई घुसपैठिया आ गया है। दिखा मुझे। जो हुकुम सरकार। युमिको, मुक्का मारू बॉस, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम निंजा हथौड़ी का धूमधाम से स्वागत करेंगे। निंजा सेवन, चलो आओ। जय हो। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये तो तूफान से पहले आने वाला सन्नाटा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। दुश्मन कहाँ से आएगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। रिलैक्स, वो कहीं से भी आए मैं उन्हें पछाड़ दूंगा। या ओ मम्मी, दुश्मन का पता चला? मुझे रोल्स की खुशबू आ रही है, और साथ में सॉस भी है बॉस। चलो चलो, रोल
रॉक एंड रोल मोल के बोल रॉक क्यों लगता है रोल की खुशबू सामने से आ रही है। ऐसा क्या ये मशीन है? संभल कर ये जरूर कोई जाल होगा। हाँ सब उस भूखा शिशु मानुआ क्यों की वजह से हुआ है। से मिस्टेक हो गई। सबसे पहले तुम सब शांत हो जाओ। डिंग 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 कुछ मालूम नहीं है। मैंने ये पहले कभी देखा है। याद आया मैंने ये गेम सेंटर में देखा था। मुझे लगता है ये फटकों वाला खेल है। तो पसंद आया मेरे मशीन का कारनामा? हथौड़ी तुम आकर फंस गए। तो मेरा नाम है मुक्का मारो। तुम मुक्का मारो हो? आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो? सुनो हमारे माता पिता को छोड़ दो। अगर हथौड़ी मेरे हाईटेक 7 रोबो निंजा के साथ चुपचाप आता है तो मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। मुकाबला तो बराबरी के लोगों के साथ किया जाता है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता समझे। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। अब खेल शुरू होगा। हाँ हिम्मत रखो केनी जी। मेरे भेजे में खिचड़ी पक रही है मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुन। मेरा भेजा फ्राई हो गया। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। शिशिमानु कियो सोनम मेरी बात ठीक से सुनो। मैं और सोनम उसे हमारी तरफ बिजी रखेंगे। उसी समय शिशिमानु और कियो गड्ढा खोद के सुरंग बनाएंगे। सुरंग बनाएंगे सुरंग बनाएंगे। चलो 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 सुरंग बनाओ सुरंग बनाओ। अच्छा सोनम तैयार हो जाओ। हाँ प्यारे हथौड़ी क्या देखो मैं देखो यहाँ पर क्या देखो मैं आऊँ यूमी को जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। डिंग 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 जल्दी करो जल्दी करो। उनकी अगली चाल से हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। उसे तो पता भी नहीं चला होगा। चलो चलते हैं। डिंग 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 अरे ये क्या बॉस यहाँ तो कोई नहीं है। वो लोग सुरंग बनाकर भाग गए। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ढूंढो और उन्हें पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। मैंने उनको देखा चलो ठीक है। तुम तीनों उनको रोको। तुम सब हमला करो। ये लो। ओ चुप जाओ। निंजा बॉल का हमला झेलो। निंजा रॉकेट बॉल का हमला। इनको लॉक करके मुक्का मारो बॉस के पास ले चलते हैं। मेरा सिर। अब नहीं बचोगे एनाकोंडा जाल बिछाओ।
दूर हो जा। चोर बंद करो। ये लोग गैस का खुलवा लो। सबसे पहले इनको पकड़ो। हथौड़ी को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है। ये क्या? मैंने कहा रुक जाओ। हथौड़ी हम फिर मिलेंगे। अरे ये क्या? मेंढक बचाओ। अरे हथौड़ी हथौड़ी ये सब कहाँ चले गए? हथौड़ी कहाँ हो? बचाओ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। हथौड़ी भला ये भी कोई टाइम है मेंढकों से डरने का? मेंढक सामना नहीं कर सकता, तुम कुछ करो जल्दी। लेकिन ये तो नकली मेंढक है। उठो 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 उठो, हमारे दोस्तों को ले गए। नकली हुए तो क्या हुआ, मेरे लिए तो मेंढक ही है ना। मेंढक नहीं अच्छे लगते, डर लगता है। तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया युमिको? मैं कहाँ हूँ? बाकी सब कहाँ है? घबराओ मत युमिको, बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी, पसंद आई? मैं अपने दोस्तों के पास जाना चाहती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है युमिको, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पहले उन्हें हाईटेक निंजा गेम्स पसंद नहीं थे, लेकिन अब देखो। वाह मजा आ गया। शिल्सो तुम ठीक हो ना? क्या बात है, मैं इस दीवार पर आसानी से चल पा रहा हूँ। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, ये तो हथौड़ी की उड़न खटोला टेक्निक से भी अच्छा है। मैं इतना अच्छा उड़ रहा हूँ, काश यूं भी कहीं आ होती। क्या बात है, मजा आ रहा है ऊपर नीचे, वाह 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 वाह। मैं तो सुपर स्पीडो सोनम स्केटर हूँ, मुझ में है 10 कदम। देखा ना, मैं कुछ कम नहीं। मजा आ गया। तुम्हें मजा आया ना? देखा बाकी सब लोग भी मजे कर रहे हैं। कल मैं हथौड़ी से ये मशीन ट्राई करने के लिए कहूँगा। क्या तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? नहीं। मेरा सपना है कि मैं ईगा गांव को मेरे हाईटेक निंजा सेंटर में तब्दील कर दूं। ये है मेरा सपना। तुम्हें ये सपना पसंद आया ना? आखिर हाईटेक निंजा क्या है? हथौड़ी पुराने जमाने का निंजा है और मैं हूँ आज के मॉडर्न जमाने का निंजा, हाईटेक निंजा। मैंने ये निंजा मशीन ऐसे तैयार किए हैं जिससे एक आम आदमी भी निंजा हथौड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। है ना ये कमाल की मशीन? सिर्फ हथौड़ी ही बचा है, वो अगर बन जाए तो समझो मेरा मिशन पूरा हुआ, उसे हाईटेक निंजा बनना होगा। पर तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं घबराओ मत। तुम जैसे होशियार टैलेंटेड स्मार्ट आज की हाईटेक लड़की हो युमिको, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए युमिको, कंप्यूटर हमें कभी धोखा नहीं दे सकते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। सबसे पहली बात, हथौड़ी मेरा बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त है, मैं तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। बहुत अच्छा दोस्त, तुम पागल तो नहीं हो गए? किसी को सच्चा दोस्त बनाना वाकई कमजोरी की निशानी है, और अगर मजबूत बनाना है तो तुम्हारी ये सारी बातें बेकार हैं। नहीं तुम गलत समझ रहे हो, हम एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। टूटता हुआ तारा, टूटते हुए तारे की कहानी तुम्हें मालूम है? हाँ, हमारी हर इच्छा पूरी होती है। ये झूठी कहानी है, टूटते हुए तारे को देखने से बुरी खबर मिलती है। Thank you.
अरे निकल निकल, ये हाईटेक वाली लाइफ तो अच्छी है लेकिन ये पिंजरे में रहने जैसा है। बॉस सब सेट है। बढ़िया। लो काम बन गया। हाँ। अब देखते जाओ। ओए क्यों जाओ? यस बॉस। अरे इसने तो सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। नहीं छोड़ूंगा यार। ए सुनो, क्या तुम्हें मिल गया? नहीं यहाँ नहीं है। मुझे पक्का यकीन है वो यही कहीं होंगे। कहने जी उठो, लगता है कोई आ रहा है। कहने जी उठो। हथौड़ी, आवाज मत करो कहने जी। स्टैचू करने की निंजा टेक्निक। तथास्तु। निंग निंग निंग, चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो केनिची। क्या तुम्हें मिले? यहाँ नहीं है। इधर भी नहीं है। आखिर ये सब कहाँ गए होंगे? हमें फिर से ठीक तरह से देखना होगा। ये हमें अपने दुश्मन के पास ले जाएगा। लेकिन हम इस मशीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? संभल कर रहना, अभी तो हमें यहाँ से भागना है। चलो निंग 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 निंग। ये सही काम कर रहा है। निंग 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 निंग। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये तो निंजा की उड़ान खटोला टेक्निक है। जल्दी करो। निंग 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 निंग। ये मशीन इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। निंग 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 निंग। निंग 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 निंग। ये तो सुपर है। अरे ये क्या हुआ? ये तो बिगड़ गया। हथौड़ी, ये मशीन तो बिगड़ गई है। हम हमेशा मशीनों के सहारे पर नहीं रह सकते, समझे? निंग निंग। हाँ हथौड़ी। बस गेट नंबर ए से कोई आ रहा है। कोई घुसपैठी होगा। हथौड़ी तुम, ये कैसे आ गया? जाओ मेरे साथ निंजा को अभी बुला के लाओ। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, उन्हें हम ढूंढ लेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक ईगा गांव था जहां के निवासी बहुत मेहनत और जी लगा के काम करते थे और वो प्राचीन काल के निंजा तक हमें तो ये भी नहीं पता ये लोग हमें कब तक कैद करके रखेंगे। ये तो हद हो गई। माता जी, पिताजी। मेरे पास एक धांसु आइडिया है। सोनम तुम उदास वाली बांसुरी की बेसुरी धुन बजाओ। मुझे माइक की जरूरत पड़ेगी और फिर से बास बढ़ाओ। अब आवाज बढ़ाता हूँ। अच्छा शिंजो, अब जितना जोर से हो सके उतना जोर से रो। रुक जाओ, ऐसा करने से सब कुछ बंद हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए। निंजा की धासू आसू पावर। समझ गई, यानी मुझे निंजा बेसुरी बांसुरी बजानी है। व्हाट एन आइडिया सर जी। पिताजी, माताजी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सब लोग अपने अपने कान बंद कर लो। Yeah!
ये आवाज तो शिंजो के रोने की है, मुझे पूरा यकीन है। शिंजो भागो किनिची भागो जल्दी। नीचे मुझे कस के पकड़ो। उस तरफ चलो। हमें पता चल गया। क्या बात है, हम इसे खोलेंगे कैसे? क्या नीचे संभाल कर। नहीं, तुम ठीक हो ना मेरे भाई? ये क्या? अपनी आवाज से तुमने सबके होश उड़ा दिए। हाँ मैंने, मेरे तो कान के पर्दे पड़ गए हैं। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। ये सब क्या हुआ? लेकिन यूमी को कहाँ है? वो जालिम मुक्का मारो उसे अपने साथ ले गया। क्या? हमें जल्द से जल्द मेरे माता पिता यूमी को और बाकी सबको ढूंढना होगा। चलो चलो। हथौड़ी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं हथौड़ी को जीतने नहीं दूंगा। मैं अपने हाईटेक निंजा को कभी हारने नहीं दूंगा, समझी? हथौड़ी, हथौड़ी। निंग, मैंने अभी युमी को की आवाज सुनी। लगता है यूमी को हमसे ज्यादा दूर नहीं है। मुझे यही कहीं से आवाज आई थी। हाँ वो देखो वहाँ पर है। यूमी को हथौड़ी, केनिची, मेरी मदद करो। हथौड़ी, अब टाइम आ गया है असली चैंपियन के फैसले का। मेरा घर वही है जहाँ मेरे प्राणी, मेरी जमीन, मेरे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरा परिवार है। तुम मुझे वो सब कुछ लौटा दो अभी। सिवा बकवास बंद कर। सब यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही हथौड़ी के लिए काफी हूँ। अब बस देखते जाओ मेरे हाईटेक निंजा टेक्निक का कमाल। हथौड़ी, मैं आ रहा हूँ। फेस बदलने की निंजा टेक्निक। ये तो रोबोट में बदल गया। ये क्या? निंग, उसे मजा चखाना होगा। ये क्या? तूफानी चक्र के निंजा टेक्निक। अब देखो मेरे हाईटेक का कमाल। हथौड़ी, तुम एक कंप्यूटर को बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ लो। लाठी चार्ज। नहीं, 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 नहीं
ये तो अजीब बात है, उसे ट्रिक का पता चल गया। हथौड़ी और बल्ले भाई जब से मालो ये एक से अनेक तो बच्चों का खेल है। हथौड़े की चालबाजी कंप्यूटर महाशय आराम से समझ लेगा और आराम से लड़ेगा भी। हथौड़ी महाशय अब इससे बच के दिखाओ। ये क्या लगता है, कंप्यूटर मुझे जांच रहा है और मेरे पैतरे को रिकॉर्ड भी कर रहा है। अब मैं इस कंप्यूटर को कैसे चकमा दूं? ठीक है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन सोचूंगा नहीं। निंग 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 निंग। क्या हुआ कंप्यूटर महाशय, हथौड़ी की चाल को पहचानो। मैं पता नहीं लगा सकती, यकीन नहीं हो रहा, मैं हथौड़ी के दिमाग को पढ़ नहीं पा रही। अब क्या होगा? चलो हथौड़ी आगे बढ़ो और कुछ करो। ओके अभी डिंग डिंग। उसने हरकत की। डिंग 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 डिंग। बिजली धार की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। पकड़ लिया थोड़ी। पर क्यों? तुम्हारा भी तो कोई होगा जिसको तुम्हारी फिक्र होगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। चलो आओ मेरे साथ। हथौड़ी, मैं अपनी हार मानता हूँ। हाँ मुक्का मारो। तुम्हारे माता पिता और बाकी गांव वालों को डराने के लिए झरने के अंदर छिपा रखा है। झरने के अंदर? जाओ उनसे मिलो तुम। मुक्का मारो, हमें बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से ही मैंने कंप्यूटर को अपना दोस्त बनाया। यकीन करना मुश्किल होता है कि यह सिर्फ कंप्यूटर है और मैं साइंस और कंप्यूटर के सहारे पावरफुल निंजा बनने जा रहा था, लेकिन मैं हार गया। मुक्का मारो बॉस, अब रोइए मत। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा। हथौड़ी से मिलना यानी सच्ची दोस्ती का एहसास होना। अगली बार जब हम मिलेंगे तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। जय हो हथौड़ी। अरे वो क्या है? Thank you.
फिर मिलेंगे दोस्त। वो देखो माताजी, पिताजी। माताश्री, पिताश्री आ गए। देखो मेरे माता पिता भी यही है। पिताजी। बाबूजी, अम्मा हमारा है। शिंजो, हथौड़ी। बहुत अच्छा लगा बच्चों, कैसे हो तुम लोग सब? सुनो बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फैमिली फोटो लेने का बहुत अच्छा मौका है खचक। आप सब लोग ठीक तो है ना? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, अब आप आजाद हैं। आजाद? ये तुम क्या बोल रहे हो? हमें तो किसी ने भी कैद नहीं कर रखा था। तो क्या आप लोगों को उस निंजा मुक्का मारो ने किडनैप नहीं किया था? अच्छा, वो तो उस लड़के का क्या हुआ? वो लड़का अब आसमान में उड़ गया, भले भाई ने उसे मजा चखाया। अरे वाह, शाबाश बेटा हथौड़ी। दरअसल जब हमें पता चला कि कोई हमें बंदी बनाने वाला है, तो हमने खुद को छुपा लिया, सिर्फ आंखें बंद की और गायब हो गए। ये भी एक तरह की निंजा टेक्निक है, समझ गए ना बेटा? हाँ। अरे वाह, अच्छा तो असल में ये बात है। मानना पड़ेगा, आखिर ये हथौड़ी के पिताश्री है तो वो तो इसके भी गुरु होंगे। अब ये बताओ, हम निंजा भोजन कब खाएंगे? हाँ कहने जी, माता जी आप जल्दी से लैम्बू बांबू का आला फूस बनाओ। और मेरे लिए टेस्टी रोल्स 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 और चूचू का मुरब्बा। सबसे पहले आला फूस, उसके बाद नहीं, पहले चूचू का मुरब्बा। चूचू का मुरब्बा, मुरब्बा पहले आला फूस। मैं दोनों भी एक साथ बनाऊंगी, तुम साथ में खाना। अरे वाह, मजा आ गया। मजा आ गया। You're not there.